हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दिस साइड ज्योति, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है विंटर स्किन केयर रूटीन पे, स्पेशल फॉर ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन। सो यार, विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो हनी जेल फेस वॉश। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है और मेरी स्किन को बहुत सूट करता है। सो सबसे पहले मैं इससे वॉश कर रही हूँ अपना फेस। और अगर आप भी इस फेस वॉश को यूज़ करते हैं तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर मेंशन करना। फेस को डीपली क्लीन करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये लाइफ लॉन्ग का फेस क्लेंजर। ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा फॉर अ स्किन एंड यस, इसे मैं लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। सो इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट, यू कैन चेक आउट एट अमेजोन। आपको अमेजोन पे ईजिली अवेलेबल हो जाएगा ये प्रोडक्ट। स्किन को बाहर से क्लीन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अंदर से। तो स्किन को ज़्यादा क्लीन करने के लिए आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, जितना पानी पी सकते हो उतना पानी कंज्यूम करना है, बिकॉज वो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अब इस मसाज के बाद आपको फेस को वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। फेस वॉश करने के बाद आपको फेस को डैप डैप करके ड्राई करना है। देन उसके बाद मेरा फेवरेट स्टेप, स्टीमिंग। मैं विंटर्स में स्टीम लेना कभी नहीं छोड़ती, बिकॉज स्टीम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और उनमें से जो डर्ट होता है वो भी निकल जाता है, तो इसलिए स्टीम ज़रूर लीजिए। इसको आप वीक में 1 टाइम ज़रूर करना, बिकॉज ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा प्रॉपरली। छोटा सा फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ जो कि 2 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। ये एक होम मेड DIY है। कॉफ़ी और हनी को मिक्स करके आपको ये फेस पैक अपने फेस पे लगाना है। और ये जो DIY है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये जल्दी तैयार भी हो जाता है और साथ ही साथ कॉफ़ी और हनी में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको हेल्प करेगी आपकी स्किन को ग्लो करने में। कॉफ़ी हैज़ द एबिलिटी टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन विच विल प्रोवाइड यू विद अ हेल्दी स्किन। कॉफ़ी हैज़ अ लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक रिच एंटी ऑक्सीडेंट, किल डेड सेल्स एंड रिड्यूस इम्प्योरिटीज, मेकिंग स्किन स्मूदर एंड ब्राइटर लुकिंग। आफ्टर 10 मिनट आपको इसे वॉश कर लेना है। थर्ड स्टेप है हमारा टोनिंग का, आपको यहाँ पे टोनिंग करनी है। टोनिंग के लिए मैं ले रही हूँ अपना फेवरेट प्रोडक्ट हिमालय का टोनर, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं उसे यूज़ कर रही हूँ लास्ट कुछ 6 मंथ से और मुझे काफ़ी बेनिफिट भी मिल रहे हैं उस टोनर से। सो उस टोनर को मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। नाउ अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक एलोवेरा गुड वाइब का मॉइस्चराइज़र है और एक एलोवेरा नॉर्मल जेल है। सो मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ अभी एलोवेरा जेल फॉर अ मॉइस्चराइज़र। स्किन केयर ख़त्म नहीं हुआ प्रॉपर, अब आपको अप्लाई करना है लिप बाम आपके लिप पे। लिप को क्लीन करने के बाद अच्छे से आप लिप बाम अप्लाई करिए अपने लिप पे। इस विंटर में काफ़ी ड्राई हो जाते हैं तो इसके लिए मैं अपना फेवरेट लिप बाम यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे हिमालय का, और ये अफोर्डेबल भी है साथ ही साथ आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।
वन होम मेड टिप इज़ हेयर, अगर आपके पास कोई भी लिप बाम नहीं है तो आप लिप पे मलाई भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि घर में ईजिली अवेलेबल होती है, और या फिर घी भी अप्लाई कर सकते हैं। एट द लास्ट हेयर आई एम अप्लाइंग माई फेवरेट बॉडी लोशन, वैसलीन कोका ग्लो। ये बहुत अच्छा बॉडी लोशन है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। इसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में भी मेंशन किया था, ये अफोर्डेबल भी है और साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है। या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट, और अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, उससे आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएंगी मेरी वीडियोज़ के। और यस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊँ, सो दैट उससे आपको हेल्प मिले। एंड यस, टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।